एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा बर्थडे सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर पे ही बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ बिल्कुल बजट को कंट्रोल में रखते हुए कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने अभी तक 4 बर्थडे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, तो उसके एक्सपीरियंस से मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है, एक पेन और पेपर लेके बैठिए और उसमें नोट डाउन करिए कि जो भी बर्थडे के लिए एसेंशियल आइटम्स हैं और जो भी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, यानी कि जिस चीज़ के बिना बिल्कुल बर्थडे पार्टी नहीं हो पाएगा और ऐसी चीज़ें जिसके बिना भी बर्थडे पार्टी, एक बेसिक बर्थडे पार्टी हो जाएगा, तो उससे आपका बजट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस में आपको ज़्यादा पैसा लगाना है और किस में आपको पैसा नहीं भी लगाएंगे तो आपको चल जाएगा। एसेंशियल आइटम्स में होता है बच्चों का बर्थडे ड्रेस, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा होता है बर्थडे केक। नेक्स्ट आता है फूड मेन्यू, यानी कि फूड आइटम क्या क्या होना चाहिए, चाहे आप गेस्ट को बुला रहे हैं या फिर आप घर के ही लोग अगर खा रहे हैं, अगर अच्छा खाना खाना है तो वो एक मेन्यू होता है। फोर्थ होता है डेकोरेशन, घर पे डेकोरेशन। अब नॉन एसेंशियल यानी कि जिसमें आप थोड़े कम पैसे भी लगाएंगे तो चल जाएगा, उसमें आता है प्रोफेशनल डेकोर, यानी कि अगर आप किसी को बुलाकर डेकोरेशन करवा रहे हैं घर पर। और दूसरा हुआ रिटर्न गिफ्ट्स। अब जब आपके पास लिस्ट है तो हम एक एक करके देखते जाते हैं कि आप कैसे कैसे उसको मैनेज करेंगे। सबसे पहला एसेंशियल आइटम है बर्थडे ड्रेस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि वो यूजुअली मैं जब पार्टी ऑर्गेनाइज करती हूँ तो लास्ट में उसकी शॉपिंग करती हूँ। अब वो क्यों करती हूँ वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। सेकेंड एसेंशियल आइटम है केक, जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसमें आपके नंबर ऑफ गेस्ट पर डिपेंड करता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर 15-16 लोग हैं आपके घर में, यानी कि गेस्ट को मिला के, तो आपका 1 kg केक काफ़ी हो जाएगा, 1 kg केक काफ़ी हो जाएगा। उसमें भी अगर आपका टाइट बजट आता है, अगर आप एगलेस केक ले सकते हैं, एगलेस केक अगर आप अच्छे किसी ब्रांड से लेंगे तो वो डेफिनेटली टेस्टी रहेगा, तो आप एगलेस केक ले सकते हैं, आपको कम में भी पड़ जाएगा। और केक के साथ साथ अपने बजट के हिसाब से आप कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर टाइट बजट है तो सिंपल एक कैंडल ले लीजिए, बिकॉज हम एडल्ट्स तो वैसा ही यूज़ करते हैं, तो बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं उसको। उसके बाद अगर आपका थोड़ा मॉडरेट बजट है, बीच बीच का बजट है, तो आप जो नंबर लिखे हुए कैंडल्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं बजट को, तो फिर जो हैप्पी बर्थडे पूरा लिखा हुआ आता है, जिसमें कि सब में कैंडल्स होते हैं, तो वो आप उस तरह का ले सकते हैं। उसके बाद आता है बर्थडे डेकोरेशन। बर्थडे डेकोरेशन को बजट में रखने के लिए आप खुद से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनल डेकोरेटर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे डिफरेंस आता है वो आप जान लीजिए। इसी डेकोरेशन जो होता है वो है बलून्स और बैनर, हैप्पी बर्थडे का जो बैनर आता है। अगर ये दो चीज़ भी आपके पास है तो आप अच्छा खासा घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 30-50 बलून्स काफ़ी हो जाता है घर सजाने के लिए। 30 बलून्स का आपको 150 के हिसाब से पड़ जाएगा। बैनर जो आप लेते हैं, पेपर बैनर लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं 100 तक में मिल जाएगा आपको, और अगर आप लोकली लेते हैं तो शायद और सस्ता मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं तो फॉयल बलून्स जो आते हैं वो आप ले सकते हैं, और फ्रिंज कर्टेन जो आते हैं वो ले सकते हैं। अब अगर आप ये अलग अलग लेने जाएंगे तो आपको कुछ 600-700 के आसपास पड़ेगा। और अगर आप ये एक पैकेज डील के हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसे कि मैंने उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, और डेफिनेटली उसको लगाने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी वीडियो, वो आपको विदिन 500 पड़ जाएगा, मतलब 500 के अंदर अंदर। अब ये हो गया हमारे बेसिक डेकोरेशन की बात जो हम घर पर कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल डेकोरेटर्स बुलाते हैं, जिनको कि मैंने 2 बार बुलाया हुआ है, उन्होंने 2500 मुझसे लिया था सिर्फ बलून्स लगाने का, जो कि गेट जैसा बलून लगाया था उन्होंने घर के अंदर, जिसमें कि 100 बलून्स थे। एक बिग बलून था जिसमें कि चॉकलेट्स भर दिए जाते हैं, और एक बैनर था, मतलब फॉयल बलून का बैनर था। तो कहाँ 600 और कहाँ 2500। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फूड मेन्यू, यानी कि खाना। अगर आपने गेस्ट बुलाया है या फिर आपके घर की ही पार्टी है, घर के लोग हैं, इन सारी ही सिचुएशन में बजट को कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले तो होममेड फूड ट्राई कर सकते हैं, यानी कि घर पे ही खाना बना लीजिए। अगर आप ऑर्डर करने जाएंगे तो सच मानिए बहुत ही महंगा पड़ेगा आपको, और काफ़ी खाना उसमें वेस्ट भी हो जाता है, बिकॉज बाहर का जो खाना रहता है वो स्पाइसी रहेगा, और शायद जो बच्चे आएंगे आपके घर पर वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे उसको। बेसिक जो पार्टी का मेन्यू होता है वो है बेवरेजेस, यानी कि ड्रिंक्स आप क्या देते हैं, उसके बाद स्टार्टर्स आप बच्चों को देते हैं, और उसके बाद आप या तो स्नैक देंगे या तो डिनर देंगे। केक कट करने का जब तक हम वेट करते हैं तो उस टाइम पे आप स्टार्टर्स उन्हें प्रोवाइड करते हो, तो स्टार्टर्स के टाइम पे आप उनको फ्राइम्स दे सकते हैं। पॉपकॉर्न के पैकेट्स आते हैं 10 रुपीज़ के, जो कच्चे पॉपकॉर्न्स रहते हैं, और आप उनको जस्ट प्रेशर कुकर में आप जब कुक करेंगे उसको, तो वो प्रॉपर पॉपकॉर्न्स पॉप आउट हो जाएंगे उसमें से, तो वो आप उनको दे सकते हैं। 10 रुपये का एक पैकेट आता है। तो अगर आपके गेस्ट
अगर आपके गेस्ट 15 भी है ना, 2 या 3 पैकेट मैक्सिमम लगेगा उनको स्टार्टर्स देने में। या फिर आप फ्राइम्स जो आता है, जो फिंगर चिप्स होता है जिसमें कि आपको तेल में फ्राई करके उनको देना है, आप बच्चे लोग हैं तो वो लोग तेल में फ्राई किया हुआ आराम से खा सकते हैं, तो वो आप उनको दे सकते हैं। सिंपल फ्रेंच फ्राइज भी घर पर बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। घर पर बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आपके पास लोग कम हैं, आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो चिप्स कुकीज़ ये सब इमरजेंसी में साइड करके रखिए। और बेवरेजेस में 2 साल से कम के बच्चे तो बहुत ज़्यादा कुछ जूसेस या ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, और हमें एक्चुअली मार्केट का जूस उनको नहीं भी देना चाहिए। और 2 साल से ऊपर के अगर बच्चे हैं तो आप उनको जूस ऑफर कर सकते हैं, जो एडल्ट्स हैं आप उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर सकते हैं। तो बेवरेजेस में ये 2 चीज़ें मैं यूजली रखती हूँ। आप स्नैक कराते हैं, उनको नाश्ता प्रॉपर कराते हैं, तो आपका अगर बजट टाइट है तो आप सिंपल होम मेड पास्ता बना सकते हैं। जो कच्चा पास्ता जो मिलता है मार्केट में, आप उसका घर पर ही पास्ता प्रॉपर रेड पास्ता बना सकते हैं बच्चों के लिए। दूसरा ऑप्शन है आप सैंडविच बना सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है अगर आपका बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, साथ में केक तो उनका रहेगा ही। अगर आप डिनर दे रहे हैं, मेरा जो यूजुअल मेन्यू अभी तक रहा है वो है पूड़ी, छोला, पुलाव, फ्राई चने की दाल, नहीं तो दाल तड़का, दाल फ्राई, और बूंदी का रायता, या फिर आप जो प्याज और टमाटर का रायता होता है, वेजिटेबल रायता होता है, वो आप दे सकते हैं, बूंदी का रायता दे सकते हैं, और साथ में कोई भी एक सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी आप दे सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज भी घर में बना सकते हैं। डिनर के लिए मैं घर के बने हुए खाने पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि यकीन मानिए मैंने 2 बार घर बाहर से ऑर्डर किया हुआ है नॉनवेज, जब हम ऑर्डर करते थे, एंड वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था और वो बहुत वेस्ट होता था, क्योंकि हमें जितना लगता है कि गेस्ट खाएंगे उतना वो नहीं खाते हैं। तो बचा हुआ खाना होता है, अगर आपने बाहर से मंगाया है तो वो बचा हुआ खाना आप अगले दिन नहीं खा पाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने घर पर बनाया है तो वो खाना आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं, तो आपका खाना वेस्ट होने के चांसेस कम है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है रिटर्न गिफ्ट। अगर आपका बजट टाइट है तो आप रिटर्न गिफ्ट्स मत दीजिए। अगर आपका बजट मॉडरेट है तो आप सिंपल एक चॉकलेट भी बच्चों को दे सकते हैं, अच्छा चॉकलेट, अगर आपने जिसे फेयर वॉशर्स हो, जो दिखने में भी अच्छा होता है, या फिर डेयरी मिल्क हो, 10 रुपीज़ वाला आता है। और अगर 6 बच्चे भी आ रहे हैं, 10 बच्चे भी आ रहे हैं, तो आपको रिटर्न गिफ्ट में ज़्यादा नहीं लगेगा, 60 रुपीज़ लगेगा, 100 रुपीज़ लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। अगर आप बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो आप प्रॉपर जैसे पेंसिल स्टैंड होता है या फिर स्केच पेन का सेट होता है, आप वो सब दे सकते हैं। ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर पीस पड़ेगा, तो फिर अगर आपके जैसे कि 6 बच्चे आ रहे हैं तो आपको 600 तक चला जाएगा, तो वो अगर आप उतना बजट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। मैंने एक बर्थडे पे एक्टिविटी बुक्स दी थी बच्चों को, जो कि 35 रुपीज़ का ही था एक पीस, तो अगर 6 बच्चे हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ा था मुझे। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट एसेंशियल आइटम पे, वो है ड्रेस। अब वो मैंने क्यों लास्ट के लिए रखा था, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जो कि आपको गेस्ट लोगों के लिए करना है, आप उसमें से थोड़ा बहुत जब सेविंग कर लेते हैं तो आप अपने बच्चे के ड्रेस में एक्स्ट्रा पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बर्थडे ड्रेस पे यूजली हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो हमेशा बर्थडे ड्रेस की शॉपिंग आप लास्ट में कर सकते हैं, जब आपका सारा बजट डिसाइड हो जाए तो आप ड्रेस को लास्ट के लिए रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो डेकोरेशन हम करने वाले हैं उसका वीडियो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि नेक्स्ट वीक में होने वाला है। फिर अगर मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।